नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट सौरभ टेक्निटर्स हूँ। आज मैं आपके सामने सोनी की NW835 वॉकमैन लेके आया हूँ। ये आप देख सकते हो, ये मेरे हाथ में है। इसकी हम रिव्यू करेंगे और चेक करेंगे कि ये डिवाइस कैसा है, इसके अंदर से कैसे काम करता है और बाकी सारी चीज़ों के बारे में। तो मैं इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी जो ये स्क्रीन साइज है, ये आपको 3.1 इंच की है और इसके अंदर जो स्टोरेज है, यानी कि इसके अंदर जो इंटरनल मेमोरी है, वो आपको 16 GB की इंटरनल मेमोरी है। और इस डिवाइस के लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे आप माइक्रो SD कार्ड भी आप लगा सकते हो। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे आप माइक्रो SD कार्ड लगाओगे इसके अंदर। माइक्रो SD कार्ड, ये देखिए यहाँ पे माइक्रो SD कार्ड भी है। तो ये तो हो गई आपको माइक्रो SD कार्ड इस वॉकमैन के अंदर आप कहाँ लगाओगे। अगर हम बात करें इसके राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे आपको सारे इसके अंदर सारे फंक्शनल बटन दिए गए हैं, जैसे कि पावर बटन, वॉल्यूम रॉकर की बटन, ये आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड और प्ले और पॉज बटन, और इसके ठीक नीचे आपको ये आपको होल्ड बटन है। इस डिवाइस के ठीक नीचे यहाँ पे आपको 3.5 mm ऑडियो जैक, और इसके ठीक बगल में आपको इस डिवाइस को चार्ज करने के लिए आप कॉर्ड लगा सकते हो ऐसे, या फिर अगर आपको इसके अंदर गाने डालने हैं तो वो भी आप लगा सकते हो, और इस हिस्से को आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में आप सिंक कर सकते हो। और अगर मैं एक बात बताऊं इस डिवाइस की, तो ये जो डिवाइस है, इसको एक बार आप जब चार्ज करोगे तो ये आपको 16 से 18 घंटे तक आराम से चलता है, और इसकी जो आवाज़ है वो काफ़ी अच्छी है, और अच्छे साउंड के लिए आप अगर ये आप वॉकमैन परचेज करते हो, तो प्लीज़ आप एक अच्छे क्वालिटी का हेडसेट या हेडफोन आप परचेज करना, ठीक है। क्योंकि मैं जो यूज कर रहा था वो आपको सोनी का ही आपको हेडफोन था, और उसके ऊपर आवाज़ काफ़ी अच्छी आ रही थी। आइए अब हम इसमें चेक करते हैं, जब ये आपको जब ये जब आप डिवाइस को ऑन करते हो, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले एरिया है ये आपको टच है, आप देखिए ये टच एरिया है। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि इसके अंदर डिवाइस के अंदर जितने भी सॉन्ग्स हैं वो आपको ऑल सॉन्ग्स के अंदर आएंगे। आर्टिस्ट यानी किस किस सिंगर के वो गाने, वो अलग इस तरीके से आएंगे। वो गाने किस साल रिलीज हुए हैं, वो रिलीज ईयर के फोल्डर के अंदर आएंगे। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं। इसके अलावा जब हम इसको टच करेंगे आपको लेफ्ट टू राइट की तरफ, तो ये देखिए ये फोल्डर के अंदर काफ़ी अच्छा टच है। ये दो फोल्डर है आपको, सिस्टम स्टोरेज और SD कार्ड। तो SD कार्ड तो इसमें इंसर्ट नहीं है, तो नहीं तो यहाँ पर भी इसके गाने होते। इसके अलावा अब हम इसको हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद हम इसके सेटिंग्स को चेक करते हैं कि सेटिंग्स कैसी है या सेटिंग्स के अंदर क्या क्या है। तो ये आइकन पे आप क्लिक करो ये, और सेटिंग्स के अंदर जाएंगे। सेटिंग के अंदर जाते ही आप देखिए यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिखती हैं, जैसे कि आपको बेसिक सेटिंग्स है, जैसे कि प्लेबैक सेटिंग्स है, आउटपुट सेटिंग है, डिवाइस सेटिंग्स है, साउंड्स है, हेडफोन है। हेडफोन के अंदर आपको नॉइज कैंसलिंग का भी एक ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको ब्लूटूथ हेडसेट आपके पास है तो उसको कनेक्ट करने के लिए ये ऑप्शन दिया गया है। ये जो डिवाइस है ये आपको NFC सपोर्टेड है, आप देख सकते हो NFC। उसको इनेबल करने के लिए ये चेकबॉक्स, ये देखिए अभी मैंने ऑफ कर दिया, यानी अभी ये NFC यहाँ से डिसेबल है। इनेबल करने के लिए चेकबॉक्स पे आपको एक बार क्लिक करना है, ये देखिए ये इनेबल हो गया। इसके अलावा आप FM रेडियो की सेटिंग्स भी यहाँ से कर सकते हो, जैसे कि आपको स्कैन सेंसिटिविटी आपको हाई चाहिए, लो चाहिए, ठीक है। फिर ये साउंड के लिए मोनो, ऑटो, ये सारी चीज़ें हैं। अब हम इसे बैक करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको सेटिंग्स के अंदर थी। और अगर हम बात करें इसके कि आप इसमें बैटरी कैसे चेक करोगे, तो ये देखिए यहाँ पे कॉर्नर में ये जो कॉर्नर एरिया है, यहाँ पे आपको बैटरी डिस्प्ले हो रहा है कि कितनी बैटरी है आपको इस वॉकमैन के अंदर। और इस डिवाइस के ठीक ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो सोनी लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपको वॉकमैन की ब्रांडिंग की गई है यहाँ पे, यानी वॉकमैन का लोगो है। तो ओवरऑल ये जो डिवाइस यूज करने में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हैंडी है। अगर आपको किसी टूर पे जा रहे हो, ठीक है, तो आप इस डिवाइस को लेके जा सकते हो। क्योंकि स्मार्टफोन में होता क्या है कि अगर आप उसमें गाने सुन रहे हो तो स्मार्टफोन की बैटरी जल्दी खत्म भी हो सकती है, और हमें पता है कि वो हो भी जाती है, ठीक है, 8 से 10 घंटे में। 8 से 10 घंटे तो नॉर्मल क्वालिटी है आज के डेट में स्मार्टफोन की, ठीक है। तो अगर आप गाने सुनने के शौकीन हो तो ये एक डिवाइस ये आपके लिए है, कि ताकि आप अपने कभी भी ट्रैवलिंग के लिए आप जा सकते हो, या फिर अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो डेली आप गाने के लिए आपको स्मार्टफोन को आपको यूज नहीं करना है। आप इसको एक बार चार्ज करो, और आने और जाने में अगर डेली आपको 1 घंटा आने 1 घंटा जाने में लगता है, और अगर आप बस मेट्रो में अगर आप जा रहे हो तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये आपके लिए, ताकि आप एक बार आप चार्ज करोगे तो कम से कम ये 1 वीक आराम से ये चलेगा। तो आपको वीकेंड के वीकेंड आपको इसको चार्ज करना पड़ेगा। तो ओवरऑल इस लिहाज से भी ये सही है, क्योंकि ये आपको
16 से 18 घंटा आराम से बैकअप देता है। ठीक है, तो दोस्तों ये मेरा आपको एक रिव्यू था सोनी NW835 वॉकमैन के ऊपर। होप आपको ये अच्छा लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरा चैनल जो कि टेक न्यूटर है, इसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप अधिक से अधिक वीडियो देख सकें। अगला वीडियो लेके मैं जल्द आऊंगा, तब तक ले सायोनारा, टेक केयर, थैंक यू।